भी गुजर रहे हैं सेतु पुल से, जो कि बिहार में सबसे बड़ा सेतु पुल है। हम आपको दिखाते हैं कुछ, और पानी भी काफी है, ऐसी बात नहीं, पानी बहुत सारा है। देखो आगे से देख सकते हैं, बाकी ये पुल है, वही नदी, हाँ नहीं बहुत सारी नदी है निकली हुई, एक इधर से है, मतलब जो भी साइड साइड से बना दिया गया है, तो जिसका जिस क्रॉसिंग जो दे दिया गया एरिया, वो उधर से नदी निकाल रही है। बहुत लंबा पुल है, आधा पुल हम पार कर चुके हैं और बाकी चल रहा है। ये देखिए इस तरह से कुछ बनाया गया है, बाकी इधर से सूखा पड़ा है पीछे, बस साइड साइड से जो नदी निकलती है वहां से निकल रही है। एक नदी उधर से निकल गई, देखिए एक उधर निकल गई थी पीछे, एक पास से यहाँ साइड से ही बह रही है। काफी बड़ा पुल और बड़ी मजबूती का बना हुआ है, सबसे लंबा ये जो है ना इंडिया का बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो आता है ना उस पुलों में इसका नाम आता है सेतु, हाँ इंडियन और इंडिया मतलब वही हो, सबसे लंबा पुल इंडिया का। इधर से एक नदी देखो ये गई है। वैसे मैंने अभी ना बिहार में जितने दिन तक रहा हूँ, मैं अभी इतनी समय से वर्क कर रहा हूँ, बट मैंने कोई भी नदी में अभी तक पानी नहीं देखा जितना था, लेकिन ये वही हो सकता है इसीलिए हो क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुल है इसलिए पानी हो, लेकिन अभी तक देखिए आप खत्म नहीं हुआ है सेतु पुल, बहुत लंबा है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ना भारत का सबसे बड़ा पुल है। और 8-9 किलोमीटर का है ना, 9 किलोमीटर का समथिंग ये पुल बना हुआ है, इस पे 9 किलोमीटर तक चलना है। मैं दोबारा इस पे क्रॉस कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ बिहार में एंट्री करा था फर्स्ट टाइम पहले, तब इससे होके गए थे, और अब बिहार से, जब बिहार के मतलब साइड से जा रहे हैं यूपी के बॉर्डर की तरफ, गोपालगंज की तरफ, तो वहां से देख रहे हैं। बढ़िया है फिलहाल, अच्छा देखो टीम लोग को मजा आ रहा है, ये लोग वीडियो बना रहे हैं, सब लोग मजा आ रहा है सबको, अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है सबको, अच्छा लग रहा है। गाड़ी भाई अभी जो ना बढ़िया मिल गई थोड़ी, लेकिन एसी उसी ठीक है, इनको बैठने का अच्छा मिल गया है, तो दो लोग आराम से सो रहे हैं, वो पीछे वाले मजे हैं अभी तो सो रहे थे। बाकी ड्राइवर भी हमारे चेंज हुए, बढ़िया ड्राइवर है, ये मीडिया से थोड़े जो भी जुड़े रहते हैं और यूपी से हैं, है ना? हाँ भाई। किस जिले से? यूपी के, यूपी प्रतापगढ़ प्रयागराज सिटी, प्रयागराज सिटी के हैं भाई ड्राइवर हमारे। ओहो कोई बात नहीं, थोड़ा जो है ना ये अभी यंग है तो उसी हिसाब से इनकी गाड़ी भी यंग भाई, थोड़ी सी ना घंटे घंटे में जो ना स्पीड से चलाते हैं गाड़ी, तो गड्ढा थोड़ा स्लो चला। अभी जो है ना पुल से हम निकल चुके हैं, जो है ना पुल से निकल चुके हैं, मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो आपको बना दूं ये, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी जो है देता जाऊं तो बढ़िया रहता है। बाकी निकल चुके हैं भाई, हम तय कर रहे हैं गोपालपुर का सफर, सॉरी गोपालगंज का सफर है ना, वो कर रहे हैं हम तय। और कुछ अभी नाश्ता वास्ता थोड़ा कुछ किया भाई, यहाँ लिट्टी चोखे के अलावा कुछ मिलता नहीं ज्यादातर, और बिल्कुल बकवास लगता है हमें फिलहाल, इन यहाँ के लोगों को अच्छा लगता है, हमें बकवास लगता है। मेहनती करने के बाद ही सब कुछ खाने को अच्छा, अब घर जाके भाई बढ़िया भोजन खाएंगे, यहाँ तो जो है खाने के लिए कुछ बढ़िया नहीं मिला, पेट भरा नहीं, जो कह लो ना खाना जो है ना खा लेते हैं लेकिन मन नहीं करता खाना खाने का, लेकिन खाना तो होता ही इसलिए खाते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ के खाने से कौन कौन संतुष्ट है और कितना संतुष्ट है, कितनी हद तक, कितनी हद तक पूरी तरह से है, बहुत थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत संतुष्ट है, संतुष्ट ठीक है, वो हमारे भाई लीची वाला एरिया शुरू हो गया, लीची वाला एरिया शुरू हो गया। अच्छा लीची वाला, हाँ यही ले लेंगे कुछ लीची अमरूद मिले, रोक लेना भैया ले लेंगे कुछ अमरूद, अमरूद ले लेंगे, रोक लो रोक लो, ठीक है। तो भाई अभी अमरूद लेने पास में रोक लिया था, ये देखो कुछ 100 रुपए केजी अमरूद है, बढ़िया बढ़िया भाई, दे दो हमें 1 केजी काट के, खा के दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। कटवा लेना, कटवा लें, धो लेंगे ना। तो भाई सेतु पुल से हम बाहर आ गए, और मैं देखो चप्पल भी नहीं पहना हूँ, नंगे पैर हूँ, जूते निकाल लिए थे गाड़ी में। हाँ यहाँ अमरूद लीची काफी होती है, अच्छा लीची अमरूद यहाँ काफी होता है ना, केला आम है ना, मेन पटना में ही है, बाकी भी हमारा अमरूद जो है कट रहा है, उसके बाद खा के फिर आगे निकलेंगे। अभी मन नहीं था लेकिन अमरूद देखा, सबका तो मन मचल गया, सब लोग का।
तो सोचा क्यों ना अमरूद खा ही लें, है ना। सबका मन मचल गया भाई अमरूद के लिए, तो अमरूद खा के फिर निकलेंगे। ड्राइवर साहब का मन पता नहीं भाई मचला नहीं मचला, वो तो इनको पता होगा ना। नहीं नहीं एकदम मचल गया भाई। अमरूद चीज ही ऐसी एक है कि कोई भी हो मन मचल जाता है, बढ़िया लगता है। लेकिन गर्मी भाई जो है ना अभी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। बाकी हम गया में थे ना तो वहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी बोला जाए तो, बहुत ज़्यादा हुआ बिल्कुल, मतलब कहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पागल से हो रहे थे इतनी गर्मी थी वहाँ। बट यहाँ थोड़ा सुकून है, ठीक है, गर्मी तो सब में ही है बट उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ एक तपोभूमि के अनुसार देखा जाए तो बहुत गर्मी थी वहाँ के। रोड जो ना हमने जहाँ वर्क किया था तो वहाँ रोड में अगर उंगली कर रहे हैं तो उंगली हो जा रही रोड में, ऐसे रोड थे। पैर मार रहे हैं तो रोड बेकार हो रहे हैं, निकल रहे हैं, मतलब जो कुलतार लगाया था रोड में वो सब पिघल रहा था। बट कोई नहीं, अमरूद खा के आगे निकलते हैं। और मैंने सोचा था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये बना दूँ, फिर मिलते हैं आगे, जहाँ भी कोई बढ़िया चीज़ मिलेगी फिर बनाएंगे।